when synapsis is complete all along the chromosome the cell is said to have entered a stage called जब सिनेप्सिस खत्म हो चुका है ऑल अलोंग थ्रू आउट द क्रोमोजोम तो जो सेल है वो एक स्टेज में एंटर कर रहा है जिसको अभी अभी हमने देखा क्या बोला जाता है पेकाइटिन। तो जो प्रोफेज वन है प्रोफेज वन में हमने पांच स्टेजेस सब स्टेजेस डिवाइड की है बेस्ड ऑन क्रोमोजोम बिहेवियर और वो पांच स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज थी लेप्टोटीन लेप्टोटीन बुके स्टेज देन उसके बाद थी जयगोटीन जिसमें सिनेप्सिस हो रहा था तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जब सिनेप्सिस कंप्लीट हो रहा है थ्रू आउट द क्रोमोजोम तो सेल जो है वो नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है और नेक्स्ट स्टेज कौन सी है पेकाइटीन तो नेक्स्ट स्टेज इज पेकाइटीन जिसमें होमोलोगस क्रोमोजोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स में क्रॉसिंग ओवर होगी जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज होगा देन उसके बाद पेकाइटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्लोटीन डिप्लोटीन जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सब दूर दूर जाएंगे क्योंकि बीच का जो सैनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिजोल्व होगा डिजोल्यूशन होगा तो उससे सेपरेशन होगा एंड उससे जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा उसको क्या बोला था काइजमेटा एंड देन लास्ट स्टेज आती है डाईकाइनेसिस डायकाइनेसिस जिसमें टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा काइजमेटा का तो so जब सनेप्सिस कंप्लीट हुआ यानी यहाँ पर सिनेप्सिस हुआ सनेप्सिस कंप्लीट और सिनेप्सिस कंप्लीट होके जो सेल है वो एंटर किया नेक्स्ट स्टेज में और ये स्टेज क्या है पैकाइटीन तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पैकाइटीन